सत निंदा दोहते आ गए, खोजे पद निर्वाणा पर जन नानक एओ खेल कठन है। कि न हो गुरमुख जान बहुत औखा है। क्यों? मनुख निंदा सुनना चाहता है, बशर्ते दूजे दी होवे दुश्मन दी होवे। मनुख उपना सुनना चाहता है, बशर्ते अपनी होवे। बड़ी खुशी मिलती है दूजे की निंदा सुन के, बड़ी खुशी मिलती अपनी उपमा सुन के। बहुत दुख होता है जब निंदा अपनी होवे, बड़ा दुख होता है जब उपमा दुश्मन की होवे, वैरी की होवे। बड़ा दुख होता है, बड़ा कलेश पहुंचता उहदी उपमा। आप दी ज्ञात ले अर्ज करा, संसारी दे लक्षण ने जो दूजे की निंदा सुन के खुश आउंदा है, अपने उपमा सुन के खुश आउंदा, संसारी मनुख है। हुण भगत किसनों आखोगे? अपनी निंदा सुन के खुश आउंदा है, खुश आउंदा है। अपनी उपमा सुन के दुखी आउंदा है, दुखी भी आउंदा है अपनी उपमा सुन के। सारा जगत रहीम नूं दानी कहिंदा सी, यानी अज तक अवतारी पुरुषां ने कहा ना दसवंध कढ़ो, वो सिर्फ दसवंध अपने कोल रखदा सी, नौ हिस्से दान कर देंदा सी। इन्ना वड्डा दानी कवि रहीम, ये होम मिनिस्टर सी अकबर काल विच, वजीरे खाने खाना कवि रहीम। बड़ा विद्वान, इहदा ग्रंथ भी है रहीम दुहावली। बहुत वड्डा विद्वान, पठान सी काबली। अकबर ने इसनों होम मिनिस्टर बनाया होया सी, सियाणा बड़ा, सूझवान बड़ा। ये सिर्फ एक फीसदी एक हिस्सा अपने कोल खर्चे दा रखदा सी, नौ हिस्से दान कर देंदा सी। लेकिन दान देन लगे दा सिर नहीं बाउंदा सी। एक दिन एक साधु ने कह दिता, जब तेरा हाथ उपर आउंदा है तो तेरा सिर भी उच्चा होना चाहिए, तू सिर नीवा क्यों करदा है? देना है हाथ जो है सिर नीवा कर लेना है, जब तेरा हाथ उपर है अपना सिर भी उपर रखिया कर। रहीम कहंदे ने, साईं सबको देत है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरो कहें या ते नीचे नैन। देंदा ते सबनू रब ही है, ददा दाता एक है, देंदा सबनू प्रभु है, पर करां की लोकी मैनू दानी आखी जांदे ने, शर्म नाल मेरा सिर झुक जांदा है। की करां, शर्म नाल मेरा सिर नीवा हो जाता है और मेरा मन बड़ा दुखी होता है। भगत दी पहचान अपनी उपमा सुन के दुखी होता है, अपनी निंदा सुन के खुश होता है। ध्यान नाल सुनना, कबीर कहते ने, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, रज के करो मेरी निंदा। क्यों? निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा मैं तारी। निंदक ते मां बाप दी तरह ने, सावधान रख देना। जिड़ी जिड़ी बुराइयां दा मेरा जिक्र कर देन, मैं सुचेत हो जाना, अपने आप नू सावधान कर लेना। कहिंदा निंदक चाही देने, ये ते मां बाप दी तरह ने। खुश है कबीर, निंदा बाप निंदा मैं तारी। हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक धोए। बड़ा परोपकार करदा साडे मन नूं धोंदा, बहुत वड्डी गल। गुजरात दे च एक संत होए ने दया राम करके, उन्हां दा बहुत वड्डा ग्रंथ है दया राम सतसई करके, उसनों कहिंदे ने। उहदे च मैं दो बोल पढ़े उस महापुरश दे। ओ कहिंदा, मानू मात पिता हूं ते निंदक को अतने, मैं ते निंदक नू मां बाप नालों भी ज्यादा सन्मान देना। क्यों? मां नू मात पिता होते, निंदक को अतिने वो धोए मलमूत्र कर ये रस ना लख लियो। मां बाप ने मेरा मलमूत्र साफ कीता सी हत्था नाल,
निंदक ते जबान नाल करदा है। मैं तो मां बाप नालों भी वड्डा दर्जा देना। दया राम। चलो एक संत दे होर भी बोल मैं थोड़े सामने रखते हैं। संसारी अपनी निंदा सुन के बड़ा दुखी होता है, अपनी उपमा सुन के बड़ा खुश होता है। भगत अपनी उपमा सुन के बड़ा दुखी होता है, अपनी निंदा सुन के ही खुश होता है। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। ईरानी सूफी संत शेख सादी कहिंदे ने अज सोहबत दोस्त रंजम। मैं दोस्तां तो दुखी हाँ, मित्रां तो दुखी हाँ। लोग तो मित्र बनाते हैं, कदम कदम से मित्र लभदे ने, वह भी मित्र होवे ते वह भी मित्र होवे, सारे अपने मित्र होवन। कहिंदा मैं मित्रां तो ही दुखी हाँ। क्यों? अज सोहबत दोस्त रंजम के ए हलाक के बदम हुसम नुमाए। मेरे औगुणा नू गुण कहिंदे, मेरे पापा नू पुन कहिंदे, मेरिया गलतियां नू सही कहिंदे ने। मैं इन्हां दोस्तां तो दुखी हाँ। मेरी बद इखलाकी नू ही इखलाक आखदे ने। की करां अज सोहबत दोस्त रंजम के इखलाक बदम हुसम नुमायत। ऐबम हुनरो कमाल बेनत। मेरे ऐबा नू कहिंदे ने कमाल दियां खूबियां ने, औगुणा नू गुण आखी जांदे ने। ऐबम हुनरो कमाल बेनत खारम गुल या समेन मायद। मेरे कंडिया नू चमेली दा फुल कहिंदे, या समेन चमेली नू कहिंदे। मेरे कंडिया नू चमेली दा फुल कहिंदे ने, मेरे औगुणा नू गुण कहिंदे ने, मेरी बद इखलाकी नू इखलाक कहिंदे ने, मेरे पापा नू पुन कहिंदे ने। कहिंदा इन्हां दोस्तां तो मैं दुखी हाँ। को दुश्मन शौखे चशम बेबाक। मैं लभदा फिरदा उस बेबाक दुश्मन नू। पता है बेबाक किसनू कहिंदे ने? मुंह फट, जो आया कह दिता, नहीं परवाह करने, उन्हू बेबाक कहिंदे ने। मौका महल गल ना करनी, बस एवें मुंह फटिया कह देंदे ने, ये ते मुंह पाटा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की निर्माणता मैं देख के दंग रह जाना। साहब कहिंदे ने बद बख्त हम चू बखील गाफल। तलंग राग का शब्द है। महाराज कहिंदे ने हे प्रभु अपनी कोई चंगी किस्मत नहीं है, तेरे दीदार हो सकन साढ़े कोई इस तरह के नसीब नहीं ने, साड़ी कोई इस तरह की किस्मत नहीं है। बदबख्त हम चू बखील गाफल। तो मैं चुगलखोर भी हाँ, अगले दे चुगली करके काम बिगाड़ देना। गाफल अचेत भी बड़ा, नादान भी बड़ा। बदबख्त हम चू बखील गाफल बे नजर बेवाक। सच नू वेख सका हे मेरे मालिक, मेरे को अखां भी कोई नहीं। बेनजर बेबाग, मुंह फटा मैं सोच समझ के कोई गल ही नहीं करदा, जड़ी आ गई कह दी। बदबख्त हम चू बखील गाफल बेनजर बेबाग। नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। नहीं तेरे दीदार ते चलो ना सही, नहीं तेरा मिलाप ते चलो ना सही। जो तेरे मार्ग ते चलते ने उन्होंने कदमों की खाक ही बना दे, उन्होंने चरणों की तोड़ बना दे। गुरु नानक बदबख्त हम चू बखील गाफल बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाखा। खैर साधी कहिंदन को दुश्मन शौखे चशम बेबाक। ओ बेबाक दुश्मन किथे है? मुंह फट दुश्मन किथे है? को दुश्मन शौखे चशम बेबाक ता ऐबे मरा बमन नुमायद। जो मेरे मुंह दे उते मेरे औगुणा का जिक्र करे, मेरिया गलतियां का जिक्र करे, मेरी बद इखलाकी का जिक्र करे, मेरी मूर्खता का जिक्र करे। क्यों? अपने चेहरे दे उते कोई धब्बा होवे ते अपनी अखां नहीं देख सकदियां, दूजे दी देखदियां।
अपनियां गलतियां मनुख नूं नहीं दिखाई देंदियां क्योंकि बहुत नेड़े ने, बहुत जो नेड़े होवे अख नहीं देखदी। अखां दे उत्ते मैं किताब रख लवां पढ़ सकांगा, अखर नहीं दिखाई देणगे। अखां दे उत्ते तस्वीर रख लवां दिखाई देगी, नहीं। अपना आप बहुत नेड़े है, अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, दूजे की दिखाई देंदी, दूजा दूर है, देखने वास्ते थोड़ी दूरी चाहिए। अपनियां गलतियां नहीं दिखाई देंदियां। जिस मनुख नूं अपनियां गलतियां दिखाई देंदियां, अपनियां भुल्लां, उहनूं कहिंदे ने अंतरमुखी है, इह ते गुरमुख है। इहदा ध्यान अपने विच गहरा चला गया, और थोड़ा जिहा भी ध्यान अपने विच गहरा जाएगा, यकीन जाणो पहले गलतियां ही दिखाई देणगियां। इह वी मैं अर्ज़ करदा, पहले भुल्लां ही दिखाई देणगे। और ओ पता की कह देगा, कबीर सब ते हम बुरे, हम तो जो भलो सब को, सारे ही चंगे ने, सारे ही चंगे ने। क्यों? ऐसा मनुख सारियां नूं उपरों उपरों देखण लग पैंदा है, तो उपरों उपरों ते हर एक चंगा है, उपरों उपरों ते हर एक ज्ञानी है, दानी है, शरीफ है, गुरमुख है, उपरों उपरों ते सारे ही चंगे ने। ऐसा मनुख चूंकि अंतरमुखी हो जाता है, संसार नूं उपरों उपरों देखदा है, ते सारे संसार विच उहनूं गुण ही गुण दिखाई देंदे ने, सारे प्यारे लगदे ने उहनूं। अपने नूं गहरा देखदा है, तू गहराई देखदा है तो अपने भुल्लां दिखाई देंदियां, गलतियां दिखाई देंदियां। ये अंतरमुखी की पहचान है जब अपनियां ही गलतियां दिखाई देन। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, अंग्रेजा ने दिल्ली का तख्त बहादुर शाह जफर को खोया से, जिवें पंजाब लाहौर का तख्त महाराजा रणजीत सिंह को, दिल्ली का तख्त अंग्रेजा ने खोया बहादुर शाह जफर को। ये बंदगी बहुत करता से, नाम बहुत जपता से। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं जल्दी इस वास्ते हार गया, लड़न की रुचि नहीं सी, बंदगी करता सी, अंतरमुखी हो गया सी। अंतरमुखी हो गया इस दे बोल भी दसदे ने, इहदा एक शेर मैं थानू सरवण करावां। इह कहिंदा है, जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब मैं दुनिया नू बड़ी गहराई नाल देखदा सी, लोकी पापी दिखाई देंदे सन, मूर्ख दिखाई देंदे सन, लोभी दिखाई देंदे सन, क्रोधी दिखाई देंदे सन, सारियां नू मैं गहरा देखदा सी। अपने नूं मैं उपरों उपरों देखदा सी, तो मैनूं अपना आप ते बहुत चंगा दिखाई देवे। बहादुर शाह जफर, जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जिस दिन दा मैं अंदर अपने आप दे जात मारीए, फिर हुण संसार विच एक बंदा भी बुरा नहीं, सब ठीक ने, सब ठीक ना, कोई भी बुरा नहीं। कहिंदा है, कौन? मैं बुरा। इंज कहिंदा, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, कहिंदे उस मनुख नूं मनुख नहीं कहना चाहिदा। हुण उपदेश देंदा है, समझांदा है। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, वो कितना ही आलम फैजोल जका, कितना पढ़ा लिखा होवे, कितना दानी होवे, कितना ज्ञानी होवे, बहुत आलम फाजल होवे, उन्हों मनुख नहीं कहना चाहिदा। हद हो गया, ज्ञानी होवे, दानी होवे, पढ़ा लिखा होवे, आलम फाजल होवे, कहिंदा कोई लोड़ नहीं इसनों मनुख कहण दी। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, और वो कितना ही आलम फैजो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। जिन्हों संसार दे सुखां विच परमात्मा दी याद भुल गई है, जिन्हों क्रोध दे रब का डर भुल गया,
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਸੇ ਐਸ਼ ਮੇ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਿਸੇ ਤੈਸ਼ ਮੇ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਰਹਾ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਮਹਾਂਜ਼ਾਲਮ, ਮਹਾਂਜ਼ਾਲਮ, ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ, ਭਜਨੀਕ। ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਲਬ ਜ਼ੌਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਆਲਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਠ ਜਲਦੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲਿਪਾਏ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਖੈਰ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਮਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰਮ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਰਸ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਖੇੜੇ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ, ਇਹੀ ਬੀਜ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜ ਦੇ 'ਚੋਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੀਜ ਦੇ 'ਚ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ। ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜ ਦੇ 'ਚ ਫਲ ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਚ, ਵੀ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜ ਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਚ, ਬੀਜ ਦੇ 'ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਫਲ ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਨ ਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਬੀਜ 'ਚੋਂ ਇਹ ਫਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਸਫਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚੋਂ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਸਫਲ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਬੀਜ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬੀਜ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਬੀਜ ਹੈ? ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਮਹਾਂਰਸ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਮਹਾਂਖੇੜੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣ ਦੇ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਬੋਵੋ ਨਾ, ਬੀਜੋ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਬੀਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੀਜਣਾ? ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ, ਬੋਣਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੋਡੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੀਏ? ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ। ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੀਜ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਦਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਬਹੋ ਅਤੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਰਕਿਕ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਚਣੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ? ਆਖਿਰ ਉਸਦੀ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਾਮ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ।
ਕਣਕ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਆ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਦਾਲ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੀਜ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਦਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਬਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਬੰਬੇ, ਇੰਦੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਹਾਲੋਭੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਲੋਭੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਥੱਕੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।